नमस्कार, IDP24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विराट दुबे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और घोर नक्सल क्षेत्र है जहां नक्सलियों ने बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है। अब इस इलाके में नक्सली मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं और अपनी जिंदगी आराम से जी रहे हैं। कभी पुलिस के दुश्मन थे जंगल में, उनके हाथ में बंदूक थी। समर्पण करने के बाद भी आज उनके हाथ में बंदूक है और लाल आजम को मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं। आज बस्तर के सबसे ज्यादा नक्सल क्षेत्र दंतेवाड़ा में लगातार नक्सली लाल आजम का रास्ता छोड़ मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। नक्सली संगठन को छोड़कर 100 से ज्यादा महिलाएं नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है, जिन्हें पुलिस विभाग द्वारा नौकरी भी दी गई है। इसे देखते हुए दंतेवाड़ा क्षेत्र में लगातार नक्सली समर्पण कर रहे हैं। जंगल की जिंदगी से तौबा कर चुके नक्सली बेहतर जीवन जी रहे हैं। दंतेवाड़ा SP अभिषेक पल्लव ने बताया कि लगातार इन इलाकों में जवानों के ऊपर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगा करते थे। अब सर्चिंग में जाते समय महिला कमांडो भी साथ में होती है, जिनमें से यह आरोप लगाना बंद हो चुका है। नक्सलियों की खोखली विचारधारा और को नक्सली समझ चुके हैं, लगातार नक्सली समर्पण कर रहे हैं। समर्पण करने के बाद जरूरी नहीं कि पुलिस की नौकरी की जाए, समर्पण करने के बाद कई नौकरियां दी जाती हैं। स्वास्थ्य विभाग में भी नौकरी दी गई है, साथ ही साथ खेतीबाड़ी करने वालों के लिए जमीन भी दी जाती है। यही मुख्य कारण है कि नक्सली लगातार लाल आतंक का रास्ता छोड़ मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। सबसे बड़ा कारण है उसका महिला कमांडो है, जो हमने पिछले मार्च 2019 में रेज किया है। महिलाएं घूम घूमती हैं, लोगों को जो महिलाएं हैं उनको मोटिवेट करती हैं कि उनके पति जो नक्सलवाद में वो छोड़ के आएँ। नक्सली का रिक्रूटमेंट का मेन कारण उनका CNM विंग है, चेतना नाट्य मंडली, जिसमें नाच गा के वो गांव वालों को अपने से जोड़ते हैं और महिलाओं को जोड़ते हैं। तो हम महिलाओं को भी नाच गाना करके, उन्हीं का ड्रेस पहना के उनको गाँव वालों को समझाने की कोशिश करते हैं कैसे नक्सलवाद से उन्हें नुकसान हो रहा है। और महिलाएँ पहले पुलिस के ऊपर सबसे ज़्यादा जो आरोप लगता था कि महिला का छेड़छाड़ का, बलात्कार का, जब से महिलाएं कमांडो हमने रेस किया ऐसी कोई भी शिकायत नहीं आई है। और यही कारण है कि अति संवेदनशील क्षेत्र में पोटाली चिकपाल जहाँ हमने कैंप लगाया है, वहाँ एक बार भी ये शिकायत नहीं आई कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हुआ हो, आरोप लगाओ। तो निश्चित रूप से जो नक्सलियों का हथकंडा था पुलिस को बदनाम करने का, वो हथकंडा उनके हाथ से छिन गया है। और गाँव वाले निचला कैडर जो है वो जन मिलिशिया, एक साथ 32 लोग सरेंडर हुए थे चिकपाल में पिछले 2 महीने में, 100 नक्सली सरेंडर हुआ है। तो जिस तरह से हम संपर्क कर रहे हैं, उनको डेली जरूरत की सामान बांट रहे हैं, उनकी बातों को, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, उनके लिए बोर खुदवाए जा रहे हैं, उनके लिए रोड बनवाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि वो पुलिस जो है हितैषी है। जो नक्सलियों ने गलत इमेज पुलिस की बना रखी थी, वो इमेज में सुधार हो रहा है। और यही कारण है कि ग्रामीण पुलिस से जुड़ रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से जुड़ रहे हैं। पहले जो कैंप का कोई डिमांड नहीं आता था, अब हर गाँव वाले आके SP ऑफिस में, कलेक्टर ऑफिस में आके डिमांड दे रहे हैं हमारे यहाँ भी कैंप खोला जाए। लोग जो है खुद नक्सल मुक्ति चाह रहे हैं। और निश्चित रूप से जो बस्तर में ये जो चेंज आया है कि लोग खुद नक्सलियों से अब उब गए हैं, और जो गांव के लोग नक्सलवाद में चले गए हैं उनके बड़े लोग बच्चे खुद जाके उनको बुला रहे हैं कि आप हमारे साथ रहिए, आके एक सामान्य जीवन अपनाइए। और पुलिस जो उनको गाँव में रहने का अधिकार दे रही है, पहले जो भी एक ये बात थी कि कोई सरेंडर करेगा तो पुलिस में ही आके नौकरी करनी पड़ेगी, उसको ऐसा नहीं है। जो पुलिस में कार्य करना चाहता है पुलिस में कर सकता है, बाकी लोग स्वास्थ्य विभाग, हेल्थ विभाग, एजुकेशन विभाग में कर सकते हैं, और जो चाहें वो खेतीबाड़ी करके गांव में रह सकते हैं और पुलिस का सहयोग कर सकते हैं। निश्चित रूप से यही कारण है कि लगातार सरेंडर्स हो रहे हैं। तो रोचक और लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ IDP24 न्यूज पर। और हाँ, हमें YouTube में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।